लोग बेटा कहें कि कोई भी गोला अगर गिर रहा है किसी फ्लूइड में यानी लिक्विड में या गैस में, तो ओकरा पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स, उसको आपको 6 पाई ईटा r भी लिखना है, जहाँ r ये स्फेरिकल का रेडियस है और v इसकी वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे लगने वाला विस्कस फोर्स मिलेगा। तो अब इस गिरते हुए बॉल पे एक बॉयंट फोर्स जो आर्किमिडीज चाचा लगाए थे और एक विस्कस फोर्स लगा और नीचे धरती माँ नीचे बुला रही थी, तो 3 फोर्स मिल गया। चूंकि नीचे एक्सेलरेट करते हुए आ रहा है इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ते बढ़ते इन दोनों का सम नीचे वाले के बराबर हो जाएगा, और उस समय इसकी वेलोसिटी को जिस समय बराबर हो गया दोनों, टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला जानते ही हैं, सिग्मा जी भी होता है जहाँ सिग्मा वाटर का डेंसिटी, और ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी होता है जहाँ एम का वैल्यू ये लिखा हुआ है, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सॉल्व कर दीजिए तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए।